टू आर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर, आज 6 मार्च, आज हम 5 से 6 मार्च के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको विद इन 8 और 9 मिनट में कंप्लीट करते हैं, और जो भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन एनवीएस सीएचओ एग्जाम में आने वाले हैं, साथ ही साथ एचपीएसएसबी जीएमसी में, तो उन सभी में क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो यहाँ पर और कोशिश की जा रही है कि डेली आपको 3 या 4 क्लासेस जैसे जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर की दी जाएँ, तो वो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक क्लासेस डेली दी जाएँ। साथ ही साथ ऑफिशियल ऐप पर भी आपको डेली जीके के क्विज है जो रखे जाते हैं, तो आप वहाँ पर चैलेंजिंग क्विज में भी अपना जीके है जो जीएस टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विच कैन बी कास्ट इन ईवीएम्स। तो जो ईवीएम्स मशीन यूज़ की जाती हैं वोटिंग के लिए, तो एक ईवीएम मशीन में कितनी वोटिंग है जो की जा सकती हैं, 2500, 2000, 3000 या 2600। तो जो ईवीएम मशीन होती है, तो ईवीएम मशीन में एक बार में जो कितनी वोटिंग है जो की जा सकती है, तो वो होती है इसमें 2000। कितनी 2000 है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, इसमें एक बार में 2000 वोट तक की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज थेयम और कली एटम्स इज अ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो थेयम और कलियत्तम एक रिचुअल डांस है, किस स्टेट में किया जाता है, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो ये जो डांस का फॉर्मेट बताया है बहुत ही ज़्यादा एंशियंट, हम ये कह सकते हैं 800 साल पुराना रिचुअल डांस है, फोक डांस भी है, जिस स्टेट में किया जाता है तो ये होता है केरला में। कहाँ पर, केरला में। आपने यहाँ के जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है वो तो सभी को याद है, बट इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। कलियत्तम और थेयम डांस है जो रिचुअल डांस है, कहाँ पर होता है, केरला में, और ये 800 साल पुरानी है जो डांस है वहाँ का। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम। तो जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन में है एजुकेट चिल्ड्रन ऑन PMBJP प्रधानमंत्री बाल औषधि मित्र प्रोग्राम, या फिर प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू चिल्ड्रन, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू प्रेग्नेंट वुमेन, एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन PMBJP। तो PMBJP है जो यहाँ पर, तो जो यहाँ पर ये प्रोग्राम है जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम, इसका जो एम क्या रखा गया था, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके तहत बच्चों को क्या करना है, एजुकेट करना है। इसका जो मेन एम था वो क्या था, टू एजुकेट चिल्ड्रन ऑन PMBJP। PMBJP का मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था, एंड इस स्कीम के तहत जो लॉन्च किया गया था PMBJP 2008 में लाया गया था, तो इसके तहत जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, हमें एजुकेट करवाना है। तो यहाँ पर इसका जो एम था जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम, तो इसका एम था कि टू एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ PMBJP। नेक्स्ट इज ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड इन विच कंट्री। ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि वर्ल्ड का 10वें नंबर का पावर प्लांट हम कह सकते हैं, तो किस देश में है। ऑप्शन में रसिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान या फिर बेलारूस। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा है उसके लिए, तो जो ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है वर्ल्ड का 10वें नंबर का पावर प्लांट, टेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो ये कहाँ पर है, यूक्रेन में, साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में है। तो इसको अभी इसलिए न्यूज़ में ज़्यादातर दिखाया जा रहा है क्योंकि रसिया ने अब इसको अपने कब्जे में है जो ले लिया है, यूक्रेन पर जो हमला किया था उसके बाद। तो ये 4 मार्च 2022 को इंटेंस फाइटिंग हुई है, जो वॉर हुआ है उसके बाद यूक्रेन का जो पावर प्लांट है किसके कब्जे में आ गया, ज़ापोरिज़्हिया में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इंडिया का ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन मतलब दो ट्रेनों को भिड़ने से रोकने के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन में ढाल, रक्षा, सुरक्षा या फिर कवच। तो जो नाम दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो क्या है, कवच, जो कि 4 मार्च 2022 को ही इसको लॉन्च किया गया। याद रखना है आपको कवच, जो कि इंडियन रेलवेज़ ने इसका नाम दिया है दो ट्रेनों के कोलिजन को, ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसका नाम क्या है, कवच, जो कि 4 मार्च 2022 को है जो लाया गया है। दो यदि ट्रेन दो स्पीड में आती हैं तो एक दूसरे को भिड़ने से रोकने के लिए क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और रिसेंट में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने
इसको लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड. तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में न्यूक्लियर हथियार किस देश के पास है. ऑप्शन में रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या फिर फ्रांस. तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है तो वो हैं अभी रिसेंट में किसके पास, रसिया के पास. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की बात करें हम तो 6,257 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिसमें से 1,458 एक्टिव वंस हैं अभी, 3,039 अवेलेबल हैं एंड 1,760 रिटायर्ड हैं. तो यदि पूरी बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा रसिया के पास है. सेकेंड नंबर पर आता है US, इसके पास क्या हैं 5,505 न्यूक्लियर हथियार हैं. नेक्स्ट इज हु इज़ द रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो रिसेंट में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है. ऑप्शन में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल. रिसेंट की बात की जाए तो अभी रिसेंट में प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी कौन, निर्मला सीतारमण. नेक्स्ट इज रिवर इंदूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम. तो जो इंदू नदी है कहाँ से निकलती है, हिंद कुस्त रेंज, हिमालयन रेंज, कराकोरम रेंज या फिर कैलाश रेंज. तो रिवर जिसका नाम इंदू है कहाँ से निकलती है, कैलाश से. लास्ट क्वेश्चन है द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज एट इज एंटर्स अरुणाचल प्रदेश. तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिवांग, दिहांग, सुभनसिरी या फिर धनसिरी. तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अरुणाचल प्रदेश में जिस नाम से जाना जाता है क्या है, दिवांग. क्या है, दिवांग. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए. तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. जीके जीएस की कोशिश की जा रही है कि डेली आपको अच्छे से अच्छा करंट अफेयर और जीके जीएस लाया जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. बाय बाय. नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं.